स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी आपके किसी भी बोरिंग प्लेस को हरा भरा और सुंदर बना सकता है। हम आपको आज बता रहे हैं कि कितनी आसानी से हम एक सुंदर पेड़ को उगा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही साधारण चीज़ें चाहिए जो आपके घर में मिल जाती हैं। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा पानी, एक कोई भी पॉट, इसमें मिठाई आती है उसका खाली डब्बा, इसे ग्रो बैग कहते हैं जो आसानी से हर जगह मिलता है। बीज और आपकी थोड़ी सी मेहनत। शुरुआत में किसी भी पॉट को तैयार करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पेड़ आपको लगाना है, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस पेड़ के लिए कितने बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। ये साधारण सा पॉट है जिसपे आजकल जैसे पोटोलुका का सीज़न है, पोटोलुका का प्लांट लगाने के लिए हम इतना बड़ा पॉट यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक मिट्टी का गमले का टूटा टुकड़ा डालते हैं जिसको खपड़ा कहते हैं। इससे क्या होता है कि पानी इसमें रुकता नहीं है, पानी आसानी से निकलता रहता है। अब इसमें हम साधारण मिट्टी का 10% डालेंगे, साधारण मिट्टी ऐसी वाली मिट्टी जो कहीं भी किसी भी खुदाई में या कहीं भी निकलती है वहाँ से। ये है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद खूब पकी हुई होना चाहिए। पकी हुई होने का मतलब कि पुरानी खाद होनी चाहिए जो इस तरीके से आराम से गिरे। गीली गीली खाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है और पौधे जल जाते हैं। ये है कोकोपीट। इसके ब्लॉक आते हैं जो छोटे से लेके बड़े तक हर साइज़ में होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे खरीद के रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए जो बड़े होके 4 गुना करीब हो जाते हैं। ये है प्रोट्रे। इसमें ये कोकोपीट में बीज को लगाया जाता है। ये इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। ये शुरुआत में 6-7 दिन का बीज है जो इस स्टेज पे आया है। उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए बीज किस तरीके से सिर उठा के पौधे में परिवर्तित होता है। और ये इसके बड़े पौधे हैं। बाद में इन्हें हम इस तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरे बड़े पौधों में लगा देते हैं। पेड़ लगाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बर्तन। ये ग्रो बैग, ये पुराना डब्बा, या फिर ऐसा किचन से निकाला गया बर्तन, ये हमारा बेसिक। पौधे लगाने की शुरुआत हम बहुत ही आसान फूल पोटोलुका जो इस मौसम में, गर्मी के मौसम में खूब खिलता है, उससे करते हैं। हम करीब इतना गहरा एक कोई भी पॉट ले लेंगे, उसमें खपड़ा लगा लेंगे। खपड़ा यानी गमले का टूटा हुआ टुकड़ा जो पानी के बहाव को निश्चित करता है, जिससे गमले में पानी जमता नहीं है। इसमें 10% पड़ेगी सादी मिट्टी। %40 गोबर की खाद, जो हमने बताया कि सूखी हुई पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। और ये कोकोपीट रात भर भिगो के तैयार किया हुआ। इसे हम किसी भी उसमें बर्तन में लगा सकते हैं। इसे मिट्टी को अच्छे से मिला के तैयार कर लेते हैं। ये पौधा लगाने के लिए हमारी मिट्टी बिल्कुल रेडी हो गई।
अब बारी आती है पौधे की। ये हमारा पोटालुका का पौधा है जो जिसकी एज होगी करीब 25 दिन। इसमें अलग अलग रंगों के इतने ढेर सारे पोटालुका लगे हुए हैं। ये पौधा हमने बीज से तैयार किया है और पहले बीज बोया छोटे से प्रोटे में, उसके बाद इसमें इसको अलग अलग बीज लगा के ये गुलदस्ता सा बना लिया है। इसका दूसरा आसान तरीका है, मान लीजिए आपके पास बीज नहीं है, आप बीज नहीं उगा सकते हैं, तो कहीं से भी इस पौधे ये इतनी आसानी से उगता है कि इसको उगा हुआ पौधा जहाँ भी हो उसको इस तरीके से काटिए, इस तरीके से काट लीजिए कहीं से भी और इसे आप मिट्टी में लगा दीजिए। ये ऐसे इसको जमा दीजिए। ये और बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के, और ये काम अगर शाम को किया जाए तो पौधा सेट होने में ज़्यादा आसानी होती है। ये देखिए पैकिंग में ढेर सारे थर्मोकोल हमारे पास रहते हैं, किसी भी पैकिंग के साथ, वॉशिंग मशीन हो, कप हो, थर्मोकोल की पैकिंग में आते हैं। इस थर्मोकोल का यूज़ हम छोटे छोटे पौधे लगाने में कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये पोटालुका हमने थर्मोकोल के एक टुकड़े में लगाया है। ये पैकिंग का बचा हुआ फिर बेकार टुकड़ा था जिसको हमने इस तरीके से पोटालुका लगाने के लिए यूज़ किया है। पौधे तरह तरह के होते हैं, कुछ पौधे सजावटी होते हैं जो छाया में घरों के अंदर रखे जाते हैं, जैसे ये डिफिनबेचिया का पौधा, मनी प्लांट, सिंगोनियम, ये सब बहुत ही आसानी से लगने वाले सजावटी पौधे होते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ पूजा वाले पौधे, जैसे बेला। हमने इतना सारा बेला का पेड़ लगाया हुआ क्योंकि गर्मी में ये बहुत ही अच्छा खिलता है, और हर घर में पाई जाने वाली तुलसी, ये देखिए ये हमारा तुलसी का पौधा है, इसमें रामा और श्यामा दोनों तुलसियां लगी हुई हैं। उसके बाद आते हैं हम उन पौधों पर जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। ये हैं खाने वाले पौधे जिनकी हमें रोज किचन में ज़रूरत होती है, जैसे मीठी नीम, पुदीना, और ये मुश्किल से मिलने वाला धनिया। धनिए का दाम एकदम से गर्मियों में बढ़ जाता है और इसको गर्मियों में उगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमने धनिया इस मिट्टी में कोकोपिट में लगाया है, ये अभी 4-5 दिनों में फल के ये हो जाएगा। आप ये ध्यान से देखिए, ये धनिए का बीज है, इसे एक गीले कपड़े में लपेट के रात भर रख दीजिए। बाजार से किसी भी बीज की दुकान से आप धनिए का बीज ले आइए और उसको एक छोटे से किचन नैपकिन में लपेट के रात भर रख दीजिए, और फिर इस तरीके से किसी भी, अगर आपके पास प्रो ट्रे नहीं है तो किसी भी छोटे से पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसे भिगो दीजिए।